हाय गाइस दोस्तों, इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और ये हमारा जो ऐप है रिसाइकलर व्यू ऐप, उसमें हम लोग आज लगाने वाले हैं आइटम को डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ है कि जब तक हम लोग आइटम को डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आइटम को हम लोग सेट कैसे करेंगे। और देखिए, हमने यहाँ दो चीज़ रखा है यहाँ, स्पेशली मैं इसको बनाया हूँ अडोबे XD में। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे बनता है, कैसे डिज़ाइन होता है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए इस तरह का ऐप, इस तरह का मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ, इस तरह का अडोबे XD में मैं आपको क्लियर बताऊँगा। और आज का ट्यूटोरियल ये है कि इसमें आज हम लोग देखिए यहाँ एक हम लोग इसमें बनाए हैं आइटम को जो यहाँ जो हम लोग रिसाइकल व्यू में शो करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे जो इसका जो डेमो है मोबाइल ऐप, वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ से आप चेक कर लीजिए कि मैं किस लोगों का और किस डिज़ाइन का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ हम लोग पहले बनाएंगे फिटनेस का मॉडल, आइटम मॉडल, और दूसरा बनाएंगे नॉर्मल ऐप का। जनरली हम लोग अपने ऐप में दोनों का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन दोनों कहाँ यूज़ करेंगे वो हम लोग जानेंगे इस सीरीज में जानेंगे। लेकिन आज का जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, वो स्पेशली इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं निकल मनु, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में दिया गया बेल आइकन उसको आप प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा मिलते रहे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यार देखिए, आपको पता होगा कि अभी के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो यार मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग घर से बाहर ना निकलें। दूसरी रिक्वेस्ट कि यार ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो मतलब कि आप घर में रहें तो मतलब कि पूरा फैमिली को घर में बुला लें, ऐसा नहीं है यार। लॉकडाउन मतलब यही बताया गया है कि डिस्टेंसिंग बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। और देखिए, हमारे देश का लोग जो है ना, लोग मिलनसार लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, लेकिन यार अभी जो सिचुएशन है, जो आप ना मिल रहे हैं, फ़ोन से ही बात करें बेटर रहेगा, तो हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे इस देश के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देश अब हमारे हाथों में है। तो चलिए, इस वीडियो हम देखने वाले क्लियरली, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग क्लोज करता हूँ, और अपना जो प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रोजेक्ट में इसका जो था रिसाइकलर व्यू ऐप, इसका नाम था प्रोजेक्ट का, और इसको हम लोग ओपन होने देते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो दूसरी और पहली नहीं देखी है तो आप पहले इसे देख लें, तो ही आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि यार अगर आपको इस समझ में नहीं आएगा तो आपको इस वीडियो देखने में बेकार हो जाएगा और आपका टाइम फालतू में वेस्ट चला जाएगा। और मैं ये बता दूँ क्लियरली कि आप जब ये सीखना चाहते हैं तो ही ये वीडियो देखें, क्योंकि यार आपका टाइम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आपको लगे या ना लगे, बट मेरे लिए आपका टाइम, आप मेरे अपने टाइम निकाल के मेरे पास मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने टाइम का प्रॉपर उसका प्रॉफिट उठाएं, आप फालतू में कहीं टाइम वेस्ट नहीं करें। और फिलहाल आप जानते हैं कि अभी टाइम है तो हम लोग को घर में ही रहना है, पिछले आगे आने वाले 21 दिन तक रहना है घर में। तो इस 21 दिन में यार हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कि हम लोग के पास न्यू नॉलेज मिल सके। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, अब क्या कर रहे हैं हमको, सबसे पहले यहाँ देखिए हमारा जो XD है, अब इसमें हम लोग को क्या क्या एक्सपोर्ट करना है हमारे ऐप में। तो देखिए, मैं यहाँ ये नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूँ, मैंने अपना पीछे जो था मेरा पिछले वीडियो में बताया था क्लियरली कि यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट में, उसके बाद यहाँ ऐप के अंदर में, फिर रिसोर्स फाइल के अंदर में, और इंटरवल के अंदर में हम लोग सारा जो था PNG फाइल इसको यहाँ रखते थे, कॉपी पेस्ट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि थोड़ा अलग न्यू टेक्निक सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो हम लोग डायरेक्टली XD से ही, मतलब कि ये जो हमारा अडोबे XD है, इसी से हम लोग डायरेक्टली अपना ऐप का जो है फोल्डर, उसमें डायरेक्ट भेजने वाले हैं टोटली एक्सपोर्ट फाइल को। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें भेजना क्या है, पहले लेना है बैकग्राउंड, इस आइटम का बैकग्राउंड लेना है, और एक लेना है इस इमेज को, और एक लोगो लेना है, बस तीन चीज़ लेना है फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फिटनेस ऐप में, फिटनेस ऐप में क्लिक करता हूँ, आइटम के अंदर में, बैकग्राउंड के अंदर में, पहले मैं लूँगा इस बैकग्राउंड को। तो देखिए, बैकग्राउंड का नाम जो चेंज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ दूसरे में, अगर दूसरे में होगा चेंज तो वहाँ से चेक उठा लेंगे, आइटम BG। यहाँ देखिए, इसमें बैकग्राउंड का नाम जो चेंज किया हुआ है, क्लिक करना, देखिए बैकग्राउंड नाम चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्टली इसको इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सीधा ले जाएंगे एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, मतलब Ctrl-E प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से, अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है सर, तो यहाँ, और यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने आएगा चार तरह का आएगा यहाँ डिज़ाइन के लिए कि क्या करना है आपको, डिज़ाइन करना है उसे, फॉर्मेट आपका PNG रखना पड़ेगा, जो है वही रखिएगा, आप SVG भी कर सकते हैं, PDF JPG जो करना कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में PNG है और PNG रहने दें। उस पर डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे एंड्रॉयड पर। अब देखिए, यहाँ हमारा जो एक्सपोर्ट टू, अब कहाँ हमको एक्सपोर्ट करना है, तो सीधा हम जाएंगे डायरेक्टली उस फाइल में जहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट जो बनाया था वहाँ, तो इसको क्लिक करेंगे चेंज पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने इस जगह, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए,
और यहाँ देखिए हमारा दिस पीसी है, यहाँ क्लिक करेंगे फिर जाएंगे अपना लोकल डिस्क में, उसके बाद यूजर के अंदर में आप आपका जो भी यूजर होगा आपका लैपटॉप का नाम, यहाँ देखिए मेरा नाम नीलका लिखा हुआ था, यहाँ उसके अंदर हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ सारा मेरा प्रोजेक्ट यहीं मिलेगा आपको टोटली जी। तो फिलहाल के लिए हमने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था रिसाइकलर व्यू ऐप, तो सीधा चेक करेंगे कहाँ है रिसाइकलर व्यू ऐप, तो रिसाइकलर व्यू ऐप देखिए रिसाइकलर व्यू ऐप यहाँ हमको यहाँ मिल गया। उसके बाद ऐप के अंदर में यहाँ ऐप पर क्लिक करेंगे, फिर रिसोर्स में जाएंगे, उसके बाद मेन में जाएंगे और फिर रिसोर्स में जाएंगे, उसके बाद रिसोर्स के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, बस यहीं आकर रुक जाना है, आपको कोई ट्रेवल ट्रेवल नहीं करना है कुछ ठिकाने। और यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट फोल्डर, उस पर आपको क्लिक करना है, उसको देखिए यहाँ हो गया। अब इसको यहाँ एक बार जब अपने हम अपना जो रिसोर्स फाइल जहाँ था इसका जहाँ आपको इसको एक्सपोर्ट करना है सेट कर दें, उसके बाद एटलीस्ट इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। देखिए पहला एक्सपोर्ट हो चुका है, अब दूसरा रहा लोगो, तो लोगो यहाँ देखिए कहाँ गए लोगो इमेज, हाँ ए है लोगो, तो यहाँ इसका नाम भी रखा हूँ मैं क्लियरली, मैं इसका नाम रखा हूँ, इसका नाम इमेज रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नाम सही है, चलो ठीक है नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और सेम टू सेम एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ क्या है, हमको इसका जो लोकेशन चूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका लोकेशन सेट हो चुका है, अभी डायरेक्टली यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, हो गया दो चीज़। अब तीसरा रह गया इसका बॉडी का फिटनेस ऐप का, इसका कुछ आइकन इमेज है, तो यहाँ हम लोग जाएंगे फिटनेस में नॉर्मल, और यहाँ फिटनेस है, फिटनेस में यहाँ इसका IMG लिखा हुआ है इसका, तो इसका नाम भी सेम टू सेम रहेगा, इसका भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं फटाक कर यहाँ, और एक्सपोर्ट हो चुका है। अब देखिए हमने क्या किया, तीन चीज़ हमने एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है, अब हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा चीज़ हो चुका है इतना एक्सपोर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ एक पॉइंट आती है कि जब हम अपने बैकग्राउंड को एंड्रॉयड XML में क्रिएट कर सकते हैं, तो यार हमने ये बैकग्राउंड क्यों लिया, क्योंकि क्यों लिया, भले इसको एक्सपोर्ट कर दिया बट इसको मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डिज़ाइन करने वाला हूँ मैं XML में डायरेक्टली, क्योंकि सिर्फ यहाँ हमको इमेज चाहिए और लोगों का चाहिए, बैकग्राउंड तो हम खुद डिज़ाइन करने वाले हैं। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ यहाँ इसलिए मैं इसको लिया क्योंकि जब मैं क्लिक करूँगा बैकग्राउंड पर यहाँ, तो यहाँ देखिए इसका कलर कोड यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस बैकग्राउंड को लिया। तो यहाँ कलर कोड मैं ऐड कर लेता हूँ 41 41 41, मतलब कलर कोड सिंपल है तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको चलते हैं वापस इस ऐप में, इसको सबसे पहले यहाँ करते हैं क्लोज ऑल पर, और देखिए अब चेक करते हैं कि जो हमने एक्सपोर्ट किया वो हमारे इस डायरेक्टरी में आया कि नहीं आया, तो क्लिक करना ड्रॉबल, और देखिए यहाँ बैकग्राउंड 6 आ गया है, इमेज 6 आ गया, जैसे मैं एक क्लिक करता हूँ और एक पर क्लिक करता हूँ दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये हमारा लोगो था जो हमने एक्सपोर्ट किया, दूसरा मैं क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड पर, भले इसका ज़रूरत अभी है या नहीं है वो अलग बात है, देखिए बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद क्या था वहाँ मेन इमेज, तो इमेज भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ इमेज भी आ चुका है, मतलब PNG फाइल में टोटली चीज़ यहाँ आ चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बनाते हैं बैकग्राउंड, तो बनाने के पहले यहाँ हम लोग को लेआउट के अंदर में एक आइटम मॉडल को बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने बाद न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पर खुल गया, यहाँ आपको लिखना है आइटम मॉडल, आपको यहाँ जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप, मैं लिखा हूँ आइटम मॉडल, वो मेरा मर्जी है, आपकी मर्जी जो भी यहाँ होगी आप वो लिखिएगा, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने बाद देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और इसको डिजाइन करने पहले हमको बनाना है बैकग्राउंड, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ है बैकग्राउंड, तो कैसे बनाएंगे, जाते हैं ड्रॉबल पर, यहाँ क्लिक करते हैं राइट क्लिक न्यू ड्रॉबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं बैकग्राउंड, तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ BG, ओनली BG, सेलेक्टर को हटा के यहाँ मैं इसको सेव करने वाला हूँ, सेव हो गया, उसके बाद क्लिक किया ओके, तो यहाँ लिख रहा है काउंट क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि इस नाम का BG नाम का ऑलरेडी यहाँ फाइल बन चुका है, इसलिए यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BG1, अगर ये होगा तो ये भी बता देगा, देखिए नहीं है वो फाइल, तो यहाँ देखिए बन गया। अब इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, क्योंकि टोटली यह काम यहाँ से होगा शुरू। अब यहाँ इसको लेता हूँ मैं थोड़ा स्प्लिट में, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और सॉलिड चूज करेंगे, कलर कोड इसका जो रहेगा कलर, यहाँ हमने जो सेट किया था 41 41 41, जैसे हमने इसको सेट, देखिए यहाँ आ गया अब कलर कोड, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से अब इसको लेना है कॉर्नर, तो कॉर्नर यहाँ से लेते हैं कॉर्नर, उसके बाद यहाँ कॉर्नर क्या है, इसका जो रेडियस है लेने वाले हम लोग 20 20, कुछ ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम लोग 10 लेंगे, ज़्यादा नहीं 10 लेंगे, और इसको इतना हो गया।
हमारा देखिए दो काम यहाँ हो चुका है और यहाँ हमारा बैकग्राउंड भी बनके रेडी हो गया है। अब इसको रीसेट करने के लिए मतलब कम्प्लीटली रीअरेंज करने के लिए कंट्रोल अल्ट और एल दबाइएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो ये ऑटोमेटिक रीअरेंज कर देगा और कहानी ख़त्म, मतलब कि हमारा जो बी जी वन था बैकग्राउंड बन चुका है। अब चलते हैं वापस मॉडल में और यहाँ हम लोग फिर से जाते हैं स्प्लिट में ताकि हमको क्लियरली दिखे। अब इसको थोड़ा ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ क्लियरली कि मैं करके आ रहा हूँ। इतना हो गया, बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रखता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ा सा और बड़ा, चलो यह काम कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो अब परफेक्ट है। अब इसके अंदर में क्या करना है हम लोग को, डायरेक्टली यहाँ कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसको हम लोग करना है पहले कार्ड व्यू। कार्ड व्यू करेंगे तो ही हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। सबसे पहले करेंगे कार्ड व्यू, कार्ड व्यू। तो ये कार्ड व्यू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को हम लोग सीधा ले जाते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर में। इसे यहाँ लेआउट हम लोग कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैं लिया रिलेटिव है। उसके बाद यहाँ पहले हम क्या बनाने वाले हैं, पहले यहाँ दिखा दूँ मैं HD द्वारा। देखिए पहले मैं बनाऊँगा फिटनेस ऐप के बारे में, क्योंकि इसका जो आइटम बना है पहले इस आइटम बनाऊंगा, सेकंड में बनाऊंगा इसका इस नॉर्मल ऐप के बारे में, क्योंकि दोनों हम इसी ऐप यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि देख बहुत लोग ख्वाहिश होती है कि हमको बनाना है फिटनेस ऐप, बहुत लोग ख्वाहिश होती है कि हमको बनाना है क्यूज ऐप जिसमें जिसमें डिस्क्रिप्शन भी रहे, टाइटल भी रहे। तो इसीलिए मैं दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि यार इसमें क्लियरली बताया जा रहा है क्या है नहीं है। तो यार आप ध्यान से देखिएगा, गलती कहीं हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि गलत बता रहा है तो फिर से देखिएगा। अगर फिर लग रहा है कि बता रहा है गलत तो यार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं क्लियरली कि इस वीडियो का जो मैं जितना यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ टोटली कोड आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, और वेबसाइट का नाम है क्लिक टू कोड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मैं इसका ले लेता हूँ सबसे पहले इसका हाइट। तो हाइट लेना है इसमें 150 और 150 में यहाँ आपको इसके अंदर हमको बैकग्राउंड सेट करना है। मैंने आपको बताया था क्लियरली कि इसको बैकग्राउंड सेट करना है। तो यहाँ आपको एक पहले मैं क्या करता हूँ कंट्रोल अल्ट और एल दबाता हूँ, रीअरेंज कर चुका हूँ इसको मैं। और इसका मैं एक ले लेता हूँ ओरिएंटेशन। तो इसमें ओरिएंटेशन ज़रूरत अभी है कि नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं है तो ज़रूरत नहीं है ओरिएंटेशन का। इसका लेता हूँ बैकग्राउंड पहले मैं, तो बैकग्राउंड और यहाँ लेता हूँ BG1। देखिए जो हमने बनाया था बैकग्राउंड, और यहाँ इसको मैं फिट करता हूँ क्लियरली, और क्योंकि बड़ा किया था आपके लिए बट ये बड़ा करने को फ़ायदा नहीं हुआ है। इसको मैं फिट कर दिया, वन बाय वन फिट कर दिया। और देखिए हमारा जो बैकग्राउंड यहाँ तो बन तो गया है बट इसे बहुत सटा हुआ लग रहा था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लेंगे मार्जिन, और मार्जिन आपको सीधा डायरेक्ट मार्जिन नहीं लेना है, आपको यही जो जो यहाँ आइटम बन रहा है वो आइटम आपके हिसाब से काम करेगा। इसलिए यहाँ पर लेंगे मार्जिन लेफ्ट, और इसका लेने वाले हैं हम लोग 16 dp, बेटर रहेगा या फिर 8 dp लेते हैं, सबसे बेटर रहता है 8 dp। उसके बाद मार्जिन राइट 8 dp, और मार्जिन टॉप 8 dp, मैक्स 8 dp। देखिए इतना बन गया है लेकिन यहाँ थोड़ा हमको मार्जिन थोड़ा सा लगा है कि कुछ ज़्यादा ही है लेफ्ट एंड राइट में, तो मैं 8 नहीं इसको मैं ले कर लेता हूँ 6, ताकि अच्छा लगे। 6 नहीं यार 4 ही करता हूँ, बेटर रहता है, हाफ रहेगा, थोड़ा सा लुकिंग गुड रहेगा। और इसका जो हाइट जो है 8 dp वो प्रॉपर वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसके अंदर सेट करना है कार्ड व्यू। तो कार्ड व्यू के लिए यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा CARD कार्ड व्यू। आ गया इसका मैच पेरेंट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप और यहाँ देखिए कार्ड व्यू में क्या दिखा रहा है भाई। तो यार मैं चाहता हूँ कार्ड व्यू, चलो ठीक कोई बात नहीं, कार्ड व्यू लेता हूँ। अब इसका थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ बैकग्राउंड डाल के फिर से क्या होता है इसमें। BG1 कार्ड व्यू बैकग्राउंड नहीं लिया, कार्ड व्यू बैकग्राउंड कलर, और यहाँ लेता हूँ BG1। देखिए कार्ड व्यू का यहाँ जो बैकग्राउंड इसका तो था वो ले चुका है यहाँ क्लियरली, और बैकग्राउंड BG1 ये हो चुका है यहाँ। अब इतना होने के बाद इसके अंदर हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो रही है यहाँ।
ऐसा करता हूँ कार्ड व्यू को भी सेट करता हूँ, टेंशन वाली बात यहाँ फालतू में। यहाँ स्पेशली कार्ड व्यू जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ बैकग्राउंड भी बना चुके हैं कॉर्नर में। कार्ड व्यू स्पेशली हम लोग क्यों बनाते हैं क्योंकि हम लोग लेते हैं इसको बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड लेते हैं कॉर्नर टाइप के लिए, तो इसका ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बैकग्राउंड कॉर्नर में, तो इसको सिंपली लेता हूँ एलिवेशन, और एलिवेशन रहेगा यहाँ 3dp, ज़्यादा नहीं रहेगा 3dp रहेगा। अब यहाँ लीनियर रिलेटिव से मैं करता हूँ लीनियर, और लीनियर के अंदर मैं यहाँ हम लोग सेट करता हूँ ओरिएंटेशन, और इसका रहेगा वर्टिकल नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग लेने वाले हैं एक टेक्स्ट व्यू और दूसरा लेने वाले, जैसे मैं बताता हूँ क्लियरली। यहाँ देखिए यहाँ हमने लेने वाले पहला टाइटल लेना है और यहाँ एक लेना है इमेज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वापस प्रोजेक्ट में, और यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका जो एलिवेशन है लेते हैं, इसका पहले सम लेते हैं, और सम लेने के बाद, सम नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, सम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग टेक्स्ट व्यू डायरेक्ट लेते हैं, टेक्स्ट व्यू में इसका जो विथ रैप कंटेंट और हाइट जो रहेगा वो मैच पेरेंट रहेगा, और क्लोज टेक्स्ट लिखने वाले हैं हम लोग, टेक्स्ट क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने वाले हैं और यहाँ लिखने वाले हैं टाइटल। इसका अपीयरेंस यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ इसका हम लोग लेंगे टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज यहाँ होगा 40dp, 40dp नहीं SP, हमेशा याद रखें SP मिलें, 40 SP नहीं 30 SP एनएफ है, 30 SP। इसका टेक्स्ट स्टाइल करेंगे हम लोग बोल्ड, और टेक्स्ट कलर यहाँ लेंगे हम लोग वाइट, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेट करते हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में हम लोग लेने वाले हैं वर्टिकल सेंटर वर्टिकल, ये देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ हम लोग इसका लेने वाले हैं मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि यहाँ हमको सट के नहीं मार्जिन लेफ्ट लेंगे, और मार्जिन लेफ्ट में हमको 16dp तक जाना पड़ेगा, 16dp से मैक्स जाना पड़ेगा, 16dp काफ़ी है, 16dp एनफ है। ये हमारा देखिए यहाँ हो चुका है, इतना मिल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लेने वाले हैं इमेज व्यू, तो इमेज व्यू ले लिया, इमेज व्यू इसका जो रैप विथ रहेगा वो रैप कंटेंट रहेगा, और इसका हाइट जो रहेगा वो रहेगा मैच पेरेंट। उसके बाद क्लोज करते हैं, फिर इसका लेते हैं SRC में यहाँ हमने रखा था इमेज नाम रखा था इसका, तो इमेज में यहाँ देखिए यहाँ इमेज ले लिया, और इस इमेज को हम लोग करने वाले हैं लेफ्ट राइट साइड के एंड में, तो यहाँ लेंगे ग्रेविटी, और लेआउट ग्रेविटी में यहाँ आपको रखने वाले हैं एंड, तो लेआउट ग्रेविटी यहाँ काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी सिर्फ काम करना चाहिए, ग्रेविटी एंड 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 तो काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रैप कंटेंट और इसका जो लेआउट ग्रेविटी यहाँ डाल तो दिए हैं, अब डालते हैं ग्रेविटी इसका, यहाँ से ग्रेविटी भी नहीं ले रहा है, तो एक काम करते हैं इस चीज़ को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ लेते हैं सम लिए और सम रखेंगे हैं एक, और सम एक रहने के बाद यहाँ जो इसका जो विथ जो लेते रेप यहाँ करेंगे 0dp, और इसको हम लेंगे वेट डालेंगे इसका 3 मतलब 0.3 इतना हो गया, और 0.3 से काम नहीं कर रहा है तो 0.2 एनएफ है। 0.2 के बाद यहाँ हम लोग दोबारा लेंगे इसका इमेज, और इमेज में हम लोग डालने वाले हैं इमेज व्यू, और इसका जो विथ रहेगा 0dp रहेगा, और इसका जो रहेगा हाइट रैप कंटेंट रहेगा, रैप कंटेंट के बाद हम लोग इसका वेट लेने वाले हैं, तो वेट जो लेंगे यहाँ वेट लेंगे यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ लेंगे 8.8 लेंगे, 0.8 के बाद यहाँ मैच पेरेंट रहेगा रैप कंटेंट मैच पेरेंट, इसके SRC में लेने वाला हूँ, SRC में रहेगा इमेज, ये SRC इसका है, और इसका ग्रेविटी लेआउट यहाँ मारूँगा मैं अब एंड। तो यहाँ भी देखिए नहीं हो रहा, देखिए इस तरह की दिक्कत आपके सामने हो सकती है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कर रहा हूँ, क्लियरली देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं कट करके आपको डायरेक्टली मैं बना दिया कि हाँ बन गया, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एरर
मैं भी एक बिगिनर था जिस टाइम मैं सीख रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी जब वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बिगिनर होंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बंदा इस इमेज को इस साइड में यहाँ पहुँचा रहा है। तो पहुँचाने का सिंपल उपाय, देखिए यहाँ मैं इसका विड्थ जो है रैप कर दूंगा रैप कंटेंट, और इसका जो हाइट भी है उसको भी मैं कर दूंगा रैप कंटेंट, और इस चीज़ को जो मैं लिया था वेट उसको हटा दूंगा। अब इसके अंदर में लेने वाला हूँ मैं एक लीनियर लेआउट, तो लीनियर लेआउट यहाँ से लिया, और इसको रखना वाला 0 dp, और यहाँ रखूँगा मैच पेरेंट ताकि क्लियरली यहाँ दिखे कर क्या रहा है। उसके बाद यहाँ इसका मैं लेने वाला हूँ वेट, और वेट जो रहेगा इसका 0.8 रहेगा, ताकि देखिए क्लियरली यहाँ मिल जाएगा दिखा हुआ। अब इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद इस इमेज भी को कट करके इसके अंदर डालने वाले हैं। तो देखो इस इमेज भी इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग लीनियर लेआउट में यहाँ डालेंगे ग्रेविटी, और इसको कर देंगे एंड। देखिए एंड हो गया। अब यहाँ हमारा जो था यहाँ ये भी रैप कंटेंट है और ये भी रैप कंटेंट है, इसीलिए पूरा मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ हम लोग इसको डालने वाले हैं एंड प्लस यहाँ डालेंगे सेंटर वर्टिकल। देखिए ये हमारा जो सेंटर वर्टिकल है बीचों बीच हो जाएगा यहाँ, या फिर ये नहीं हो रहा यहाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ ग्रेविटी जो है एंड रखेंगे, और यहाँ इसके अंदर डालेंगे ग्रेविटी ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी, यहाँ एंड नहीं रखेंगे सेंटर वर्टिकल। तो देखिए ये हमारा जो ये जो ऐप था वो बीचों बीच बन गया है, मतलब कि एक बार मैं दिखा दूँ क्लियरली आपको जूम करके। तो देखिए यहाँ मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा तो ऊपर करता हूँ इसको, देखिए हमारा जो ये जो टाइटल जो था टाइटल और ये दोनों के बीच में मतलब क्लियर दिख रहा है कि हाँ अब सेट हो गया है, मतलब कि यहाँ हमने ये बना दिया। लेकिन इसमें एक कमी रह गई है, कमी क्या है कि इसका जो आईडी हम सेट नहीं किया, आईडी सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ इमेज व्यू को हम लोग सेट करेंगे आईडी। तो आईडी यहाँ रहेगा इमेज, सिर्फ रखना है इमेज, और यहाँ इमेज के नाम पर रखना है फिटनेस, क्योंकि ये बन रहा है फिटनेस के लिए, तो फिटनेस इमेज ये लिखना है। और इसका जो टाइटल जो है यहाँ इसको भी यहाँ आईडी, और ये लिखना है फिटनेस फिटनेस टाइटल, दो चीज़ हो गया फिटनेस फिटनेस टाइटल यहाँ हो गया, और फिटनेस यहाँ इमेज भी हो चुका है। फिटनेस यहाँ थोड़ा गलती हो गया स्पेलिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं, फिटनेस हो चुका है यहाँ। और यहाँ हमने दो चीज़ यहाँ जो फिटनेस का, देखिए अब मैं आपको मिलाता हूँ क्लियरली, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ बगल में, और इसको मैं भी हाइड करता हूँ, हाफ करता हूँ, और हाफ करने के बाद भी इसको मैं हाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको मैं दिखा पाऊँगा। और ये रहा, इसको मैं भी करता हूँ हाफ, और हाफ में हाफ नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। देखिए इतना हमने यहाँ का किया कि ये हमने डिज़ाइन कर लिया टाइटल और फिटनेस का, टोटली हम लोग यहाँ अपने XML में डिज़ाइन कर लिया। और अब करने वाले हैं हम लोग, यहाँ देखिए हमने इसका डिज़ाइन कर चुका हूँ यहाँ, अब हम लोग करने वाले हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या है जो बता रहा हूँ मैं क्लियरली आपको। देखिए ये जो हमारा नॉर्मल ऐप है, ये नॉर्मल ऐप है, यहाँ हम लोग क्या चाहिए, लोगो चाहिए पहला, मतलब कि इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये एरो जो है, इस एरो काम नहीं है बट ये लुकिंग में मतलब देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। वैसे मैं आपको अगर मानने नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, बट मैं इसको लूँगा क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आती है कि अब इसको डिज़ाइन कैसे करें, क्योंकि यहाँ इसमें एक टाइटल था एक इमेज था, बहुत आसानी से हो गई, बट यहाँ तो तीन तीन चीज़ है, एक इमेज दो टाइटल। तो सबसे पहले हम लोग वापस जाएंगे अपना इसमें, और बीजी जो मॉडल आइटम जो था वो हो गया कम्प्लीट, इसको हम कट करेंगे वापस प्रोजेक्ट में, और इस बीजी को भी कट कर देंगे। आएंगे ऐप के अंदर में, रिसोर्स के अंदर में, और लेआउट के अंदर में हमने यहाँ एक आइटम बना दिया। अब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे राइट क्लिक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ आपको लेना है एक नया आइटम, आइटम मॉडल वन, वो वन तो ले लिए हैं टू, उसके बाद यहाँ हमने इसको कर देना है ओके। ओके करने बाद इसको हेड स्पीड बताते हैं दोबारा, और यहाँ हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को पहले कंसर्न लेआउट करते हैं लीनियर लेआउट में, तो लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट के बाद यहाँ हम लोग इस चीज़ को लेंगे। अब 100 dp ज़्यादा नहीं लेंगे, 100 dp लेंगे, मतलब कि हाइट इसका रहेगा
100 dpi, तो 100 dpi यहाँ रहेगा। और इसके अंदर बैकग्राउंड पहले सेट करता हूँ मैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में रहेगा BG1 जो हमने बनाया, बट 100 नहीं 120 dpi लेंगे, थोड़ा छोटा लग रहा दिखने में, 120 dpi रहेगा। और इसका जो बैकग्राउंड तो हमने ले लिया, अब इसका थोड़ा लेंगे मार्जिन, तो मार्जिन जो लिया था पिछले में, मार्जिन लेफ्ट 4 dpi, मार्जिन राइट 4 dpi, मार्जिन टॉप 8 dpi, ये हमने ले लिया, ठीक है ये हमारा। और इसका लेता हूँ मैं एलिवेशन, ताकि इसका शेडो हल्का दिखे, एलिवेशन 3 dpi एनफ है, ज़्यादा नहीं 3 dpi काफ़ी है। अब इसमें यहाँ हम लोग काम हो गया, अब इसके अंदर में हमको लेना है 3 चीज। पहला मैंने दिखाया यहाँ आपको, दिखाया क्लियरली कि यहाँ आपको पहले लोगो टाइटल डिस्क्रिप्शन तो लेना है, जिसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ से एक लेना पड़ेगा इसके अंदर ओरिएंटेशन, और यहाँ इसको लेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल उसके बाद लेंगे वर्टिकल। तो यहाँ इसके अंदर में पहले लेंगे, और उससे लेने पहले यहाँ हम लोग सम सेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी इक्वल काम करना पड़ेगा। और सम, सम जानते हैं सम क्यों लेते हैं दोस्तों, सम लेने का कारण क्या, सबसे बड़ा पॉइंट क्या, मैं आपको भी पहले एग्जांपल में देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिजाइन करूँगा। एग्जांपल देखिए, जब मैंने इसका बन लिया था, इसको लिया था मैं, और जब मैं इसको रोटेट करूँगा ना लैंडस्केप बोर्ड में, तो यार क्लियर दिखेगा, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट आपको कटा हुआ नहीं दिखेगा, समझे। इसीलिए मैं लेता हूँ सम को, ताकि सम जो है स्क्रीन के अनुसार, मोबाइल के अनुसार उसको खुद एडजस्ट करता है, और उसी रेशियो में उसको आउटपुट देता है, इसीलिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ सम को। तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ रोटेट में, ले आता हूँ पोर्ट्रेट मोड में, और इसको कट करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ। सम तो ले चुका हूँ, अब पहले लूँगा मैं इमेज व्यू, क्योंकि जो हमें बनाया था लोगो, लोगो लेंगे, तो पहले मैं लूँगा इमेज व्यू। तो इमेज व्यू, और इमेज व्यू में मैं यहाँ इसका जो विथ है लेंगे 0 dpi। यार क्लियर ध्यान से देखना यार, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ यार, एक बार ले लोगे हमेशा याद रहेगा। मच पेरेंट हो गया इसका, और इसका जो वेट है, वेट इसका लेंगे मैं 0.2 एनफ है। उसके बाद यहाँ हम लोग इसका SRC लेने वाला हूँ, और SRC में यहाँ रखने वाला हूँ लोगो। तो लोगो में नाम क्या रखा था, ये तो मैं पता नहीं कर पाया, ये लोगो इसका इमेज नाम रखा हूँ मैं इसका, तो इसका मैं रखूँगा इमेज। और यहाँ देखिए हमारे सामने ये आ चुका है। उसके बाद एक काम है, इसके अंदर पैडिंग नहीं लिया, पैडिंग ले लेता हूँ मैं 8 dpi, पैडिंग 8 dpi रहेगा, ताकि क्लियर दिखेगा। उसके बाद इसको मार्जिन लेफ्ट करने वाला हूँ, मार्जिन लेफ्ट में ये रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, मार्जिन लेफ्ट में 12 dpi कुछ ज़्यादा हो गया, 8 dpi। अगर हम लेते हैं पैडिंग ना, तो ज़्यादा नहीं लेना है, 8 dpi ही लेना है मार्जिन, पैडिंग नहीं ले रहे हैं तो आप 16 dpi ले सकते हैं मार्जिन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको इसको क्लोज कर देना है, उसके अंदर यहाँ आपको बैकग्राउंड टाइप करना है, और इसका जो कल, इसका जो बैकग्राउंड जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो ट्रांसपेरेंट यहाँ, उसे मैंने जो मैं बनाया फिटनेस, उसमें मैं बैकग्राउंड नहीं दिया हूँ, तो उस एक कमेंट होने के बाद उसमें उसको करता हूँ। उसके बाद यहाँ हम लोग अब लेंगे, हम लोग यहाँ एक लेंगे लीनियर व्यू, फिर से लीनियर लेआउट लेते हैं, और इसका जो मैच पेरेंट रहेगा 0 dpi, हाइट मैच पेरेंट क्योंकि ज़रूरी है, और इसको हम लोग डायरेक्टली क्लोज करेंगे। और इसका जो है यहाँ वेट, वेट लेंगे 2 लिए तो यहाँ लेंगे 0.7, और अब हमको इसके अंदर लेना है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन, और यहाँ लेंगे वर्टिकल, क्योंकि यहाँ काम करने वाले हैं वर्टिकल तौर पर। तो इसके अंदर यहाँ देखिए, जब हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पहले लेंगे एक टेक्स्ट व्यू, जो टाइटल रहेगा टाइटल, तो टेक्स्ट व्यू, और इसका जो रहेगा इसमें यहाँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट रखने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ लेने वाला हूँ, तो रैप कंटेंट लेना है, और यहाँ टेक्स्ट में रखने वाला हूँ टेक्स्ट, और यहाँ मैं रखूँगा टाइटल, और इसका रखने वाला हूँ अपीयरेंस, इसमें मैं कोई टाइटल साइज नहीं लूँगा, इसमें लूँगा डायरेक्टली अपीयरेंस, और ये उसको रखने वाला हूँ मैं लार्ज, लार्ज रखूँगा। इसका टेक्स्ट स्टाइल का जो टेक्स्ट कलर जो इसका है, मैं इसको कर दूँगा वाइट, और इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है इसको मैं कर दूँगा बोल्ड, और इतना हो गया। अब इसका इसको कॉपी करूँगा मैं, पेस्ट करता हूँ, यहाँ 2 चीज़ हो गया। अब इसका जहाँ लिया था लार्ज वहाँ रखूँगा स्मॉल, स्मॉल ले लिया, और यहाँ क्या करूँगा, एक चीज़ यहाँ मैं इसको मार्जिन लेफ्ट लेता हूँ यहाँ 16 dpi, ताकि हमको इस लोगो से इसका दिखना चाहिए फ़र्क में। और इसका जो ग्रेविटी है, लेआउट ग्रेविटी, इसको हम लेने वाले हैं सेंटर वर्टिकल, बीचों बीच आ चुका है। और इस टाइटल को यहाँ चेंज करना है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन
स्मॉल आ गया। और यहाँ का जो कलर जो है इसका कलर हम लेने वाले हैं हल्का सा लेना है, मतलब लाइट ग्रे लेना है, इसलिए हमको यहाँ लिखने में कलर कोड डालूंगा मैं। तो कलर कोड में देखिए क्या डालता हूँ मैं, डायरेक्टली डिफॉल्ट लिया ब्लैक कलर, उसको यहाँ क्लिक किया और यहाँ हल्का सा जो जाऊँगा ऊपर, सॉरी ए, ठीक है ए एनफ है, ये हो चुका है क्लियरली, देखिए यहाँ हो चुका है। और इतना टाइटल होने के बाद हमारा जो इसमें बच गया है आईडी, तो सबसे पहले हम लोग आईडी रखने वाले हैं यहाँ, और यहाँ रहेगा डेस्क मॉडल, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन का मॉडल है, तो डेस्क मॉडल यहाँ लूँगा। और पहला लूँगा डेस्क टाइटल, तो यहाँ टाइटल आईडी यहाँ लूँगा नॉर्मल टाइटल, और यहाँ मैं लूँगा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल डेस्क हो गया। दोनों का आईडी ले लिया हूँ मैं, और यहाँ एक इमेज का जो मैं आईडी नहीं लिया हूँ उसका मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ इमेज रहेगा आईडी, और इसका रहेगा मॉडल इमेज, ठीक है। तीन चीज़ हो गया, इसका मॉडल इमेज हो गया है, फिर इसका मैं आईडी ले लिया हूँ। अब बच गया यहाँ एरो, और एरो कैसे लेंगे, एरो के लिए सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट में, और यहाँ से हम लोग रिसोर्स फाइल के अंदर में ड्रॉवल पर यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ आपको इमेज एसेट पर क्लिक करना है, आपको वेक्टर इमेज पर नहीं करना, क्लिक करना है इमेज एसेट पर क्लिक करना है। और यहाँ आपको सामने खुलेगा इस तरह का, तो सबसे पहले आपका डिफॉल्ट में आएगा यहाँ आइकन चेंज में आएगा, आइकन टाइप में आएगा यहाँ लॉन्चर आइकन, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आपको एक्शन बार एंड टैप पर कर देना है, उसके बाद क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ टाइप करना है आपको एरो, एरो हो गया। और यहाँ कीबोर्ड एरो राइट जो है इसको क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, और यहाँ आपको होलो डार्क रहेगा इसका कलर कस्टम पर क्लिक करना है, कस्टम पर यहाँ क्लिक कीजिएगा डायरेक्टली, और यहाँ जो कलर लेना है मैं लेता हूँ एक कलर, और ओके इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने की जरूरत नहीं है, जीरो पर ही ठीक है, जो है जीरो पर ठीक है। इसका नाम रहेगा एरो, एरो एरो हो गया नाम कंप्लीट, नेक्स्ट फिनिश, ये हमारा बन चुका है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद अब इसके नीचे में, क्योंकि हमने क्या किया कि यहाँ देखिए इमेज ले चुका हूँ और टेक्स्ट व्यू सब ले चुका हूँ, अब यहाँ इसके नीचे में हम लोग को डालना है, तो यहाँ लिखूँगा मैं इमेज व्यू, इमेज व्यू रैप 0 dp मैच पेरेंट, इसका जो विथ रहेगा वेट बचा हुआ था वहाँ 0.1, क्योंकि देखिए एक लिया मैं 0.1 क्यों लगी, 1, 2, 3 और इसके अंदर मैं लिया था 7, 10 मतलब कि 10 इंच का, देखिए यहाँ मैं एक का लिया हूँ सम, वह 0.1 में लिया था। उसके बाद अब इसके नीचे हम लोग यहाँ इसका लेने वाले हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये रहेगा ट्रांसपेरेंट, ज़रूरी है, SRC में लूँगा, और SRC में मैं यहाँ लेने वाला हूँ एरो जो अभी हमने बनाया। देखिए हमारे पास ये बन गया है, देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ लेने वाले हैं पैडिंग, पैडिंग में लूँगा ज़्यादा नहीं, 4 dp एनएफ है 4 dp, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। भले ही इस एरो का कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ आपको डिज़ाइन के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, तो मैं इसको अब मैं करता हूँ रीअरेंज हर चीज़ को, कंट्रोल अल्ट और एल, रीअरेंज होगी हर चीज़। अब मैं इसको आता हूँ प्रोजेक्ट में, और दोबारा जो हमने बनाया था आइटम मॉडल, इसमें क्या किया था मैंने, एक इसमें एक गलती हुआ था, मतलब एक चीज़ छूट गया था, उसको हम सेट करने वाले यहाँ। और छोटा ये था कि जब इमेज पे क्लिक करता था, इसका बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड जो था ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसलिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट पहले लूँगा, तो ही ये काम करेगा बढ़िया से, अच्छे से काम करेगा। और ये हमारा देखिए दोनों जो मॉडल था, इसको भी हम लोग कंट्रोल अल्ट और एल दबाएंगे, जो था री हो जाएगा रीअरेंज। एक बार चेक कर, एक बार आपको चेक करना जरूरी है कि आपने टाइटल का आईडी लिया है कि नहीं लिया, आईडी ले लिया, इसका आईडी लिया है, आईडी ले लिया। दूसरा हम चेक करते हैं कि हमने लोगों का आईडी लिया, ले लिया, टाइटल का ले चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन का भी ले चुका हूँ, मतलब कि हमारे पास 2 आइटम व्यू बन चुका है, और हमने देख लिया कि कैसे बनता है। तो यार इस वीडियो में बस यही तो मैं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें बताऊँगा अडैप्टर कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल का जो होता अब एंट्री मारेगा जावा में, क्योंकि XML का फाइल यहाँ से होता है ख़त्म, और इस चीज़ के लिए स्पेशली रिसाइकल व्यू के लिए XML का फाइल ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आएगा जावा में, जावा आएगा मॉडल इमेज अडाप्टर होल्डर इमेज क्लिक लिसनर, बहुत सारी चीज़ आता है जो आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो सीखने में कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करो, लाइक भी कर देना यार, कमेंट क्यों नहीं, लाइक भी करना। और अगर कोई आपका दोस्त है कि चाहता है कुछ सीखना एंड्रॉइड में,
तो उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी कुछ नॉलेज आ जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, आपको इस तरह का वीडियो बहुत मिलेगा जो आपको सीखने मिलेगा घर बैठे ही। या इससे बेटर चीज़ क्या मिलेगा यार, मैं एक खुद ऐसा बंदा हूँ जो यूट्यूब से सीख कर ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको भरोसा करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये आप पर डिपेंड है। बट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।